हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बाइक। इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते कई सारे कंपनी ने इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक्स और कार लॉन्च करते रहते हैं। और इन सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिजाइन और लुक्स को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ले और कौन सा ना ले। इनमें एक से बढ़कर एक कलर ऑप्शन और स्टाइलिश डिजाइन और फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में इसी साल या इसी साल के अंत में लॉन्च होने वाला है। हम बात करेंगे ई बाइक गो के बारे में। यह एक इंडियन कंपनी है जो कि मुंबई में है और इनके द्वारा रेंट पर इलेक्ट्रिक बाइक, बैटरी चार्ज करने की सुविधा और वेरियस ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। ई बाइक गो के फाउंडर एंड सीईओ इरफान खान ने अनाउंस किए हैं कि कंपनी सोलो नामक एक माइक्रो एंड मीटर मोबिलिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है, जिसे कि इंडिया में डिजाइन और यूरोप में डेवलप किया जाएगा। इस स्कूटर में बोस की ही पावरफुल मोटर यूज किया जाएगा। पिक्चर में हमें देखने को मिलता है कि इसके फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक दिया गया है और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में हाइड्रोलिक और रियर में स्प्रिंग लोडेड देखने को मिल रहा है। यह एक कम बजट की स्कूटर होने वाला है क्योंकि इसमें मोटर्स, व्हील्स, ओवरऑल बॉडी काफी छोटी दी गई है। इसके ओवरऑल डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया है, देखने में छोटा और प्यारा है और इसे कंपनी मल्टीपल कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च करने वाला है। अभी तक कंपनी ने इसके प्राइस, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ खुलासा नहीं किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।